आज जो मीटिंग हुई है साहब भाई, क्या उस मीटिंग का क्या मुद्दा रहा? जिस तरीका से सुना गया था कि फराद हकीम भी आएंगे, तो आज इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, क्या आप लोगों का मोटिव क्या था आज का मीटिंग का? देखिए, फराद साहब को तो लेटर दिया गया, मसरूफियत की वजह से हो सकता वो नहीं आ पाएंगे, नहीं आ आए हैं आज, मगर हम लोगों की जो मीटिंग हुई है काफ़ी लोग आए थे और AGM माशाल्लाह बस अच्छे तरीके से हुआ है। और देखिए, कुछ लोग मुखालफत भी किए हैं और ये डेमोक्रेसी है, ये अच्छी बात है कि हम लोगों के बीच में जिन लोग हैं यहाँ पर जो मेंबरान हैं, उन लोगों के अंदर में अगर कोई गलतफहमी है और वो जो कोई अगर उनके अंदर में किसी तरह का कोई बात को क्लियर करना है तो वो भी माशाल्लाह अच्छी तरीके से वो क्लियर हो गया है। ये अच्छी बात है कि हम लोगों के अंदर में एक ट्रांसपेरेंसी है कि अगर किसी को कोई बात बोलना है तो वो यहाँ पर मीटिंग में बोल सकते हैं। आगे जिस तरीके से आज की मीटिंग में एक वाइस इनको वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर के एक सवाल उठाया गया है। देखिए, वर्किंग प्रेसिडेंट जो है ये पहले रेजोल्यूशन हो चुका था, इसके पहले मीटिंग में ये तय हो चुका था, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जो हुई थी उस वक्त ये तय हो चुका था कि दो हम लोगों को अमेंडमेंट करना है। एक अमेंडमेंट ये करना है कि जब ऑप्शन से जो आएंगे उन्हें प्रेसिडेंट के लिए चुना जाए ऑप्शन से, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है जो इलेक्टेड होंगे, जो इलेक्ट होकर आएंगे उन्हें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो चूंकि ये ऑप्शन में आए हैं और इसके ऑप्शन के में आने की वजह से ये स्पेशल AGM करके इसे पास किया गया, और ये स्पेशल AGM जो है ये एजेंडा में लाने से पहले, इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर तय हो चुका था कि एक ये एजेंडा दिया जाएगा, दो एजेंडा होगा और एक होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये दोनों एजेंडा पहले हो चुका था, तय हो चुका था, और इन हो सकता जमील भाई उस दिन मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इसके मुखालफत की। खैर, कोई बात नहीं है, ये उनका हक बनता है और ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी है हम लोगों का और अच्छी बात है। तो आगे जिस तरीके से अभी आप लोगों की जो मीटिंग, जो फिर जो आइंदा जो मीटिंग होगी वो कब होगी और इस तरह का कब तक सवाल उठता रहेगा? देखिए, मीटिंग जो है ये तो आज ये फाइनल हो चुका है, ये हम लोगों का जो दो एजेंडा था ये दोनों एजेंडा आज पास हो चुका है, ठीक है। तो ये साहब नादर साहब को कहा, ये किया गया है क्या वर्किंग प्रेसिडेंट? नहीं, ये तो आज ये पोस्ट को क्रिएट किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ है इसे आज फाइनल किया गया है। तो किस नाम को अब ये नाम जो है, अब ये गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी, बैठने के बाद में तय करेंगे कि कौन जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन वर्किंग प्रेसिडेंट होगा, कौन AGS होगा, ये कमेटी तय करेगी, ये हम लोग नहीं तय कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे ही फराद हकीम जब इस पोस्ट पे आए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से सुना गया है कि 7 करोड़ का फंडिंग दिया जा रहा है इस्लामी अस्पताल को, किस हद तक की सच्चाई है? देखिए, ये जो फाइल है ये फाइल बहुत पहले से हम लोगों का दिया हुआ था ये फंडिंग के लिए और हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए, ये फाइल हम लोगों ने दिया था 3-4 साल पहले कबल, तो वो किसी भी वजह से किसी भी कारण से ये फाइल मूवमेंट नहीं हो रहा था। अभी जाकर जब से हम लोगों ने ये फिराज साहब को प्रेसिडेंट बनाया है और वो अपने तरीके से तजवीज़ किए हैं और अब रिक्वेस्ट किए हैं सरकार में, और ये जबानी समझ लीजिए हम लोगों को कंफर्मेशन मिल चुका है कि वो फंड जो है वो मिल जाएगा, और रिटर्न हम लोगों के पास में अभी तक नहीं आया है, बट हम लोगों को उम्मीद है इंशाल्लाह वो फंड जो है वो रिलीज बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने फराद हकीम के आने पर एतराज़ भी जाहिर किया कर रहे हैं आज की मीटिंग। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि कमेटी में अगर कोई एतराज़ करते हैं तो ये अच्छी बात है कि भाई एक डेमोक्रेसी है हम लोगों के अंदर में, एक ट्रांसपेरेंसी हम लोग के अंदर में, हर लोग को हक है कि किसी के भी खिलाफ़ में वो बोल सकते हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि उनको ये जानना और उनको ये हम बताना भी ये चाहते हैं कि फराद हकीम साहब जो आने के बाद में ये 7 करोड़ रुपया आ रहा है, उसके बाद और भी पैसा जो है 3 करोड़ रुपया और आएगा। अगर हमारे कमेटी के अंदर में और हमारे मेंबरान जो हैं इनके अंदर में अगर किसी के अंदर कोई अगर 10 करोड़ रुपया देना चाहता वो प्रेसिडेंट बन जाए, अगर 10 करोड़ ला के दे सकता है कौम के लिए और हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए वो प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। मगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए फ़ंड की बहुत ज़रूरत है, और हमारे यहाँ पर फंड की किल्लत की वजह से आज जो है, और फंड के क्राइसिस की वजह से आज ये हॉस्पिटल में जो
काम आगे बढ़ने में जो देरी हुआ है उसका भी कुछ कारण है, इसके वजह से भी हम लोगों ने काम को थोड़ा सा डिले कर पाया, क्योंकि फंड हम लोगों की कमी थी। अब क्या इम्कान लगाया जा सकता है, कब तक हॉस्पिटल की तामीर? देखिए, तामीर तो बहुत जल्द हो जाएगा, हम लोगों ने टारगेट लिया है 2 से 2.5 महीने के अंदर में हम लोग ये हॉस्पिटल को तामीर करेंगे, और जैसा हम लोग वहाँ पर अभी फुल फ्लेजेड दिन रात काम वहाँ शुरू हो गया है, उम्मीद करते हैं कि सब मिलजुल कर अगर काम करेंगे और हमारे जितने कमेटी के लोग हैं सब मिलकर अगर इसे तवज्जो देंगे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हम लोग ये बिल्डिंग को तामीर कर पाएंगे। मैनेजिंग कमेटी के मेहमान खुद हकीम फरहाद के पास गए थे अप्रोच करने कि आप यहाँ की सरकार की, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी के मेहमान चाहते थे कि किसी तरीके से हम इस्लामा हॉस्पिटल को आगे बढ़ाएं, उसकी तामीर में जो नुक्स है उसको ख़त्म करें, और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, हकीम हकीम फरहाद के अंदर की शक्ति है तो वो इस्लामा हॉस्पिटल में हो सकते हैं, और उनका इम्तहान भी आया था हमारे लिए ये इस्लामा हॉस्पिटल सिर्फ गरीबों के खिदमत करने के, और हम लोग का अल्लाह ने मौका दिया है हम लोग गरीबों के। आज का मीटिंग का जो मुद्दा रहा वो क्या रहा, कहाँ तक आप लोग सकते? आज का मीटिंग का मकसद ये था कि आइए इधर आइए आप, आज का मीटिंग का ये मकसद असल मकसद ये था कि जो रिकमेंडेशन मैनेजिंग कमेटी ने पेश किया उसको पास करना है, दो, एक प्रेसिडेंट वाला मामला और एक वर्किंग प्रेसिडेंट। अब हम लोग मैनेजिंग कमेटी में इस मामले को तय करें, और ये हमारे सुपरिटेंडेंट है, नए सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर महल और बहुत पुराने मेम्बर हैं, इनसे भी आप जरा इंटरव्यू दें। अभी जो अब आइंदे जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सुना गया है कि 7 करोड़ का फंड जो स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है ये बनाने के लिए, हॉस्पिटल को बनाने के लिए, किस हद तक की सच्चाई है इसमें? देखिए, और COVID-19 को देने के लिए भी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं सवाल है। देखिए, जब ये बात आई है तो हुकूमत की तभी से आई और उसके किसी फर्क में कहा तो ये पब्लिक के सामने मामला आ जाएगा कि हुकूमत ने हमें ताउन किया है, नहीं किया, इसमें हम लोग को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अचानक से 7 करोड़ का फंड आना तो क्या कहीं ना कहीं उन्नति की तरफ जाएगा? अच्छाई की तरफ जाएगा, बहुत अच्छाई की तरफ जाएगा, गरीबों की खिदमत करने की तरफ जाएगा। अगर ये इस्लामाबाद में माहौल भी बहुत ज़रूरत है, चेतन अपने में यहाँ जगह बहुत ज़रूरत पूरा कर अस्पताल को नए सिरे से चालू करना है। अस्पताल बंद हो गया है, बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, हमारी कोशिश यह है कि अस्पताल को फुल फ्लेज जितना जल्द हो सके चालू किया जाए, हमारी कोशिश यही है। जिस तरीके से आप बहुत दिनों से हॉस्पिटल में, मैंने 1986 में अस्पताल को ज्वाइन किया था, 86 से आप समझ लीजिए कि आज कितना साल हुआ होगा, और मैं वहाँ पर बीच में 7 साल तक मैं सुपरिटेंडेंट भी रहा। उस वक्त अस्पताल की हालत बहुत ही ख़राब थी, और हम जनाब सुल्तान साहब सेक्रेटरी हुए, मैनेजिंग कमेटी ने हमको जो है सुपरिटेंडेंट बनाया, और सभी ने मिल के काम किया, अस्पताल आस्ते आस्ते जो है फिर वो तरक्की की तरफ गया, ICU बनाया गया, पैथोलॉजी बनाया गया, नर्सिंग स्कूल में सीट बढ़ाया गया, पारा मेडिकल कोर्स बना गया, ये सारे के सारे काम जो है उस वक्त हम लोगों ने मिल के किया। कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल से हम सुपरिटेंडेंट हद से हट गए थे, हमारे मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने ये जिम्मेदारी मेरे सर पर दी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अस्पताल को फिर से नए सिरे से उसी मुकाम पर पहुँचा दें। अस्पताल में इलाज के दौरान काफ़ी कमियां भी देखी गई थी, जिस तरीके से अभी अस्पताल है वो तो बंद ही है, ये जो भी हड़ताल चल रहा है ये उसका सबसे छोटा विंग है, इसके अंदर बेड बहुत कम है, और जितने बेड वहाँ 200 बेड थे यहाँ 40 बेड है,
तो 200 मरीज जो हम लोग भर्ती करते थे उनको तैयार कर नहीं पाते हैं, बेड की कमी है, इसलिए लोगों को शिकायत रहेगी। जब वो बेड चालू हो जाएगा इंशाल्लाह ये शिकायत खत्म हो जाएगी। आप लोग किस तरीके से, क्योंकि आपका इसमें अहम रोल रहेगा सुपरिटेंडेंट के वादे से, तो आपका इसमें क्या किस हद तक हॉस्पिटल को कहाँ तक पहुँचाने की ख्वाहिश है? हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल से शुरू होगा और इंशाल्लाह इसे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। इससे गरीबों को कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, अस्पताल गरीबों का है। क्योंकि अब तक का जो ये जो छोटा मिंस जिसे कहा जा रहा है उससे गरीबों को कोई राहत नहीं मिलेगी। गरीबों के लिए बना था, गरीबों के लिए रहे है और गरीबों के लिए ही रहेगा, गरीबों के इलाज के लिए मेन रहेगा। तो क्या ये छोटा विंग से क्या गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता? छोटा विंग से जो है मकसद यह है कि यहाँ से हम लोग आमदनी होती थी उसको जो है बड़े विंग में खर्च किया जाता था, वहाँ गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता था। क्योंकि अभी वहाँ मरीज नहीं है इसलिए इस आमदनी को जो है रखा गया है, फिर जो अस्पताल चालू होगा उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। इलाज में जिस तरीके से अभी जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर छोटा विंग्स में की ही अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी कमियाँ पाई जा रही है। एक्सपेक्टेशन तो लोगों का है, हमारे पास बेड चूँकि इतने कम है कि हम सारे लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो अस्पताल जब बनेगा तो इंशाल्लाह सबके एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जाएगा। हॉस्पिटल की एक मीटिंग की गई थी हज हाउस के सर जमीन पर, आप देख सकते हैं कि जनरल मीटिंग के लिए अहमान किया गया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज का मीटिंग का जो मुद्दा जो रहा है कि वो एक वर्किंग प्रेसिडेंट के अहदे की बात भी कही गई है, जिसमें जिस तरीके से बात की गई थी कि वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए सैयद साहबुद्दीन हैदर साहब को नाम को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें चंद मेम्बरान ने जहां एतराज़ किया वहीं चंद मेम्बरान ने हामियाँ भी भरी है। जिस तरीके से देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे मसाइल भी सामने आया है इस मीटिंग में, जिसको लेकर के लोगों ने एक दूसरे के दरमियान एतराज़ नाराज़गी का भी इजहार किया गया, मगर बाहर आखिरी वक्त में उन तमाम चीज़ों को मिट्टी डालकर उठना पड़ा है इस मीटिंग में। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।